चैप्टर 14 है, अ नाइट आउटसाइड द कैसल, मीन्स कैसल के बाहर एक रात, कि किले से बाहर एक रात, और कैसल से मुराद दैट इज शेटी ऑफ टैडलिनहैम, उससे बाहर एक रात। प्रिंसेस फ्लेविया वॉज लिविंग फॉर टैडलिनहैम। अच्छा, लास्ट हमने लेक्चर में डिस्कस किया था, क्या चीज़ डिस्कस की थी भाई, कि जो है वो रूपर्ट ऑफ हेंडजू जो लीडर है द सिक्स का, उसने क्या किया है, उसने जो है वो डैगर, खंजर जो है वो घोप दिया है लेफ्ट शोल्डर पर या रुडोल्फ फ्रेजेंटाइल के, जब वो रुखसत हो रहा था मिलते हुए। तो जब ये बात फ्लेविया को पता लगी कि जो है वो रेजेंटाइल को या रुडोल्फ को क्या लगी है भाई, खंजर लगी है, तो फिर वो जो वो चुके वो जो थी फ्लेविया थी वो तो स्टेल्सो में थी, मार्शल स्टेकेंस ने को जो है वो रखवाली देकर किया था कि आप इसकी रखवाली करना शहजादी की। लेकिन जब उसको पता लगा फ्लेविया को कि चोट पहुंची है और ज़ख्म पहुंचे और गहरी चोट पहुंची है बादशाह को, तो वो जो फ्लेविया हैं वो कहाँ आती हैं, जेंडा आती हैं। तो यही चीज़ यहीं से स्टार्ट हो रही है, प्रिंसेस फ्लेविया वॉज लिविंग फॉर टैडलिनहैम, शहजादी फ्लेविया टैडलिनहैम की तरफ रवाना हो रही थी। आई रिजॉइस्ड इन बीइंग एबल टू वेस्ट टू होल डेज विथ हर, और मैंने भी खूब इन्जॉय किया और दो दिन मैंने जो है वो उसके साथ ज़ाया कर दिए, मतलब टू डेज मैंने उसके साथ वेस्ट कर दिए घूमने फिरने में जब वो आगे जेंडा। आई हैव अ रेजोल्यूशन बीइंग क्लिंच्ड बाय जोहान्स न्यूज़ दैट द किंग ग्रू पीक्ड पेल एंड इल एंड दैट हिज हेल्थ वॉज ब्रेकिंग डाउन। अब रेजोल्यूशन हमारी करारदाद, मतलब हम जो इतने सुस्ती थी, हमारी सुस्ती क्लिंच उसमें रुकावट आई जब जोहान ने खबर हमें पहुँचाई कि बादशाह पीक द किंग क्रियो पीक, बादशाह कमज़ोर होता जा रहा है, पेल पीला होता जा रहा है और बीमार होता जा रहा है, एंड दैट हिज हेल्थ वॉज ब्रेकिंग डाउन, और उसकी सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही है। तो जब उसने बताया तो हमें फिर परेशानी हुई। सो लेट नेक्स्ट नाइट आई रोज फ्रॉम टेबल वेयर फ्लेविया हैड सेट बाय मी एंड कंडक्टेड हर टू द डोर ऑफ हर अपार्टमेंट्स, देर आई किस्ड हर हैंड एंड बेड हर स्लीप। अगली रात मैं अपनी टेबल से उठा जहाँ फ्लेविया मेरे साथ बैठी थी, और मैंने उसको लेकर गया उसके अपार्टमेंट्स तक, उसके हाथों को बोसा दिया और मैंने उसको सुला दिया और वो सो गई। सेप कैरिड अ लॉन्ग कॉइल ऑफ रोप, सेप ने अपने साथ एक लंबी रस्सी की जो है वो कॉइल लिया। आई हैड विथ मी अ शॉर्ट स्टाउट कजल एंड अ लॉन्ग नाइफ, मैंने अपने साथ रखा एक छोटा स्टाउट, मतलब एक सख्त सा कजल, लकड़ी का टुकड़ा या लाठी कह लो, एंड अ लॉन्ग नाइफ, और मैंने एक लंबी चाकू अपने साथ रखी। इन एन आवर फाउंड आवर सेल्फ स्लोली माउंटिंग द हिल दैट लेड टू द कैसल ऑफ जेंडा, एक घंटे में हम आ गए उस पहाड़ की तरफ जो कैसल ऑफ जेंडा तक जा रही थी। वी गेन द टॉप ऑफ द हिल विदाउट एक्सीडेंट एंड फाउंड आवर सेल्फ ऑन द एज ऑफ द मोट, हम आखिरकार हिल के टॉप तक पहुँच गए बिना किसी हादसे के, और आखिरकार हमने पाया अपने आप को कि हम एज ऑफ द मोट, मोट के एज तक मौजूद थे, किनारे तक मौजूद थे उस खंदक के, जो खंदक जो कैसल ऑफ जेंडा के पास मौजूद था। अ ट्री स्टूड ऑन द एज ऑफ द बैंक एंड सेट साइलेंटली एंड डिलीजेंटली सेट टू मेक फास्ट द रोप, एक दरख्त जो है वो किनारे मौजूद था, उस किनारे मौजूद था बैंक के, और सेप्ट ने खामोशी से और आहिस्ते से उसने रस्सी बांधना शुरू कर दिया, किस पर, उस दरख्त पर। तो जब मैंने डायग्राम बनाई थी तो डायग्राम में मैंने जो है वो हिल पर एक ट्री शो किया था, ठीक है, किनारे पर, इस किनारे पर राइट हैंड साइड पर, तो उस ट्री पर उसने क्या कर दिया, उसने रस्सी बांध दी। वी गेन द टॉप ऑफ द हिल विदाउट, अच्छा, आई वॉज गोइंग टू हैव अ लुक एट जेकब स्लेडर, मैं जा रहा था क्या, गोइंग टू हैव अ लुक एट जेकब स्लेडर, जेकब स्लेडर का नज़ारा रखने के लिए, उसको एक बार देखने के लिए। अच्छा, क्योंकि इसका प्लान ये था, ये जो रेजेंटाइल है वो ये चाह रहा था कि वो किसी तरह से जेकब स्लेडर के अंदर से जाकर बादशाह को बचा कर ले जाए, मतलब जेकब स्लेडर जो है वो तो एक पाइप है ना, वो चाह रहा था उस पाइप के अंदर जाकर जो है वो पाइप के अंदर से कुछ उसके ऐसा रास्ता मिले जिसकी वजह से वो बादशाह को बचा कर ले जाए। आई जेंटली लोअर्ड माई सेल्फ इन टू द मोट, वाटर ऑफ द मोट, आखिरकार मैंने अपने आप को पानी में गिरा दिया, पानी में डाल लिया, किसके, मोट के पानी में। वेरी स्लोली आई मूव्ड एंड आउट ऑफ द डार्कनेस आई हैड लूम्ड अ शेप, बड़े आहिस्ते से मैं हरकत करता रहा और आखिरकार तारीकी में से जाहिर हुआ सामने मेरे एक शेप, एक चीज़ जाहिर हुई। इट वॉज़ अ पाइप कर्विंग फ्रॉम द विंडो टू द वाटर, ये एक पाइप था जो मुड़ रहा था विंडो की तरफ से पानी में आ रहा था मुड़ते हुए, मतलब जेकब स्लेडर। आई वॉज अबाउट टू अप्रोच इट व्हेन आई सॉ समथिंग एल्स एंड माई हार्ट स्टूड स्टिल,
मैं वहाँ करीब आने ही वाला था जब मैंने कुछ और देखा वहाँ पर और मेरा दिल रुका का रुका रह गया। द नोज ऑफ अ बोट प्रोट्रूडेड बियॉन्ड द पाइप ऑन द अदर साइड। मैंने देखा कि उस पाइप के दूसरी तरफ एक मुझे नाक दिखी। किसकी नाक दिखी? एक बोट की, ठीक है, मतलब एक कश्ती मुझे देखी, जो कि कश्ती का सामने वाला हिस्सा मुझे देखा उस पाइप के दूसरी तरफ। हु वॉज द मैन हु कॉर्डेड माइकल्स इन्वेंशन। कौन था वो शख्स जो माइकल के ईजाद की रखवाली कर रहा था, मतलब जो कि जेकब स्लेडर की रखवाली कर रहा था, कि किसको ब्लैक माइकल ने जो है वो इसकी रखवाली के लिए रखा है। आई फेल्ट इफ माई नाइफ वर रेडी। मैंने चेक किया कि मेरा चाकू तैयार है कि नहीं है। देयर वॉज अ मैन इन द बोट अ राइफल ले बाई हिम। वहाँ मैंने देखा आगे जाकर तो उस कश्ती में एक शख्स मौजूद था और एक राइफल उसके साथ मौजूद थी रखी हुई। बाय हेवन ही स्लीप। खुदा का शुक्र है वो बंदा सोया हुआ था। इट वॉज मैक्स हॉफ द ब्रदर ऑफ जोहान। वो मैक्स हॉफ था, जोहान का भाई। माई हैंड स्टूल टू माई बेल्ट एंड आई ड्रू आउट माई नाइफ। मेरा हाथ मेरे बेल्ट पर गया और मैंने अपनी चाकू निकाली। ऑफ ऑल द डीड्स ऑफ माई लाइफ आई लव द लीस्ट थिंक ऑफ दिस। सारे जिंदगी में मैंने जितने भी काम किए मैंने सबसे कम सोचा था, मैंने सोचा नहीं था कभी मुझे ये काम भी करना पड़ेगा, मतलब सोते में एक बंदे को मारना। तो सोते में किसी बंदे को मार देना तो इट इज़ लाइक एक कोवर्डिस होती है, ये बुजदिली होती है, ठीक है, कि सोते में बंदे को वैसे नहीं मारना चाहिए, ओपन फाइट में मारने तो समझ में आती है बात। तो आई सेड टू माई सेल्फ, मैंने खुद से कहा, इट इज़ अ वॉर एंड द किंग्स लाइफ इज़ एट स्टेक। मैंने खुद से सोच कर कहा ये तो जंग है और वैसे भी बादशाह की ज़िंदगी खतरे में है। किसी इंसान की ज़िंदगी को बचाने के लिए बहुत सारे हराम काम भी हलाल हो जाते हैं। तो उसने बोला कि यार अगर मैं ये कोई गलत काम कर रहा हूँ किसी सोते हुए बंदे को मारने का, तो भी मैं चूँकि सही कर रहा हूँ, चूँकि मैं हालत लड़ाई में हूँ, तो कहते हैं ना जंग और मोहब्बत में सब जायज़ है, तो ये तो जंग भी है ना, तो जंग में मैं ये काम कर सकता हूँ। होल्डिंग माई ब्रेथ आई मार्क द स्पॉट एंड रेस्ट माई आर्म। मैंने अपनी सांस को खींचा और मैंने मार्क द स्पॉट, मैंने निशान दिया कि चाकू कहाँ मारना है, और मैंने अपने बाजू उठाया और मैंने चाकू क्या कर दिया, घोप दिया उस शख्स के सीने में, मैक्स हॉफ जोहान के भाई के सीने में। द ग्रेट फेलो स्टेड। वो भारी भरकम आदमी हिला, जैसे उसको चाकू घोपा ना उसके अंदर, वो फौरन से हिला और आखिरकार वो मर गया वहीं पर। तो मैक्स हॉफ की इस तरह से मौत होती है, मैक्स हॉफ को मार देता है ये रडल्फ रोजेंटाइल जो जोहान का भाई है। आई टर्न टू जैकब स्लेडर। मैं जैकब स्लेडर के पास आता उसका मुआयना करने के लिए। आई हर्ड अ वॉइस अ हार्श ग्रेटिंग वॉइस। और मैं सुनता हूँ एक आवाज़, एक बहुत सख्त जो है वो भारी भरकम आवाज़ सुनता हूँ। इट वॉज डिचार्ड। ये डिचार्ड की आवाज़ थी। अब चूँकि वो क्या करता है, वो अंदर चला जाता है ना, पाइप के अंदर जाता है, तो पाइप के अंदर से तो जाहिर सी बात है खिड़की की तरफ से जो भी आवाज़ आएगी वो पाइप के अंदर सुनाई देगी, चूँकि वो कनेक्टेड है विंडो के साथ उस इनर रूम की। इट वॉज डिचार्ड। ये डिचार्ड की आवाज़ थी। आई कॉट द इंग्लिश एक्सेंट इन अ मोमेंट। मैंने एक लम्हे में भी ही जो है वो उसके इंग्लिश एक्सेंट को मैंने पकड़ लिया डिचार्ट की आवाज़ को, चूँकि जो आवाज़ आ रही थी ना वो एक वहाँ बंद कर दो, जो आवाज़ आ रही थी वो बिल्कुल परफेक्ट इंग्लिश में आ रही थी, इंग्लिश लहजे में आ रही थी। और आपको पता है माइकल के 6 स्कॉटल्स में से जो सबसे परफेक्ट इंग्लिश है वो डिचार्ट बोलता है, बिकॉज ही वॉज एन इंग्लिश मैन। हैव यू एनीथिंग टू आस्क साहिब बिफोर वी पार्ट। तो मैंने जो है वो अच्छा सॉरी डिचार्ट ने उससे कहा, क्या आप कुछ पूछना चाहते हैं सर इससे पहले कि हम यहाँ से रुख्सत हो जाएं। तो असल में डिचार्ड है बादशाह की कोठरी में और वो बादशाह से बात कर रहा है, और रुडोल्फ रोजेंटाइल किस वक्त कहाँ है, जैकब स्लेडर के अंदर सुन रहा है ये सब कुछ। प्रे माई ब्रदर सेड द किंग टू किल मी, आई एम डाइंग बाय इंचेस हियर। अब बादशाह की आवाज़ आती है, मेरे भाई से इल्तिजा करो कि वो मुझे मार दे, चूंकि मैं यहाँ पल पल मर रहा हूँ इस कोठरी के अंदर। द ड्यूक डज नॉट डिजायर योर डेथ सायर येट, स्नियर डिचार्ड। डिचार्ड गुस्से से कहता है, ड्यूक माइकल अभी आपकी मौत नहीं चाहते जनाब, वो अभी आपको मारना नहीं चाहता, अभी उसको मार के आपको कोई फ़ायदा मिलेगा ही नहीं, तभी क्यों मारेंगे वो आपको। एंड देन आई हर्ड द सॉब्स ऑफ द किंग। उसके बाद डिचार्ड चला जाता है और मुझे बादशाह के रोने की आवाज़ आती है, कि बादशाह जो है वो रो रहा होता है अपने सेल के अंदर। आई रोड स्विफ्टली राउंड टू वेयर माई फ्रेंड्स वेटेड। आखिरकार मैं फिर रोड, मतलब कि मैं फिर आखिरकार जो है वो तैरते हुए आराम से मैं गया उस जगह पर जहाँ पर मेरे दोस्त मेरे इंतज़ार कर रहे थे। आई हेल्ड सेफ्ट इन लो टोन द रोप केप डाउन। मैंने सेफ्ट को हल्के से लहजे में आवाज़ दिया और आखिरकार उसने जो ऊपर खड़ा हुआ था वो दरख्त के पास उसने रस्सी नीचे फेंकी मेरे पास, ताकि मैं उस रस्सी से ऊपर चढ़ जाऊँ। सडनली आई हॉर्स केम टू वर्ड मी। अचानक से जब मैं ऊपर चढ़ा, ऊपर चढ़ने के बाद एक घोड़ा मेरे सामने आया। इट वॉज द रुपट ऑफ हैंडजो।
तो आगे बढ़ते हैं। तो अचानक से घोड़ा मेरे सामने आता है, इट वॉज रुपर्ट ऑफ हैंडजू, रुपर्ट ऑफ हैंडजू का घोड़ा होता है वो, रुपर्ट ऑफ हैंडजू का लीडर ऑफ द सिक्स है। एट लास्ट आई क्राइड, मैं चिल्लाया, आखिरकार मुझे मौका मिल गया बदला लेने का। इट्स अ प्ले एक्टर, क्राइड ही स्लैशिंग माई क्लजल, अरे ये तो प्ले एक्टर है, उसने कहा। तो जो रुपर्ट ऑफ हैंडजू है ना, वो इसको मतलब रजन डायल को जो है वो कहता है प्ले एक्टर। तो प्ले एक्टर मतलब होता है ड्रामे पास, या कह लो कि बहरूपिया, क्योंकि बहरूपिया बना हुआ है ना ये। तो रुपर्ट ऑफ हैंडजू उसको बोलता है, अरे तुम तो बहरूपिए हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो क्या करता है, मेरे हाथ में जो छड़ी कजल जो लेता हूँ, कजल जो छड़ी मेरे हाथ में होती है, उस पर तलवार मारता है, वो उसको काट देता है बीच से। ही कट क्लीन इन टू टू, बिल्कुल दो हिस्सों में तकसीम कर देता है। आई डक्ट माई हेड एंड ही ब्लश टू टेल स्कैम्पर्ड फॉर माई लाइफ, मैं आखिरकार क्या करता हूँ, अपना सर झुकाता हूँ और मैं बताते हुए शर्मा भी रहा हूँ आपको कि मैं अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए वहाँ से दौड़ जाता हूँ। मतलब वहाँ से कहता है कि मैं वहाँ से फुल दौड़ लगाता हूँ, क्योंकि उसके पास तलवार मौजूद है, मेरे पास तो तलवार नहीं थी उस वक्त, क्योंकि हम तो यहाँ, मैं तो यहाँ पर एक स्नाइपर मिशन के लिए आया था, स्नाइपर मतलब एक स्पाई मिशन के लिए आया था कि बस जो है वो जेकब सेडर के अंदर से जाकर मैं जो है वो वहाँ से बादशाह को छुड़ा लूँगा, जो कि मुमकिन नहीं हो सका। तो अब लड़ाई का तो कोई इनका कोई सीन था नहीं, तो वो वहाँ से भागते दौड़ लगाता है। वी हैड लोनेनग्राम एंड क्राफ्टस्टीन, फिर सेप्ट हमें बताता है कि असल में हमारी लड़ाई हुई है। तो ये जो तीन लोग थे ना जो रेस्ट रूम में थे, ये रात के वक्त, तो रात का वक्त था चुके, तो रात के वक्त जो ड्यूटी होती है ना, वो अंदर जो ड्यूटी होती है वो डिचार्ज पर्सन इन डिकॉटेड, तीनों फॉरेनर की होती है, नाइट ड्यूटी जो होती है, तो डिचार्ज पर्सन इन डिकॉटेड, तीनों फॉरेनर। और बाकी जो तीन होते हैं, लोनेनग्राम, क्राफ्टस्टीन और रुपर्ट ऑफ हैंडजो, वो कहाँ होते हैं, वो ऊपर रेस्ट रूम जो बना था ना, बेडरूम्स में होते हैं। तो अब उन्होंने कोई खटपट की आवाज़ जब उन्होंने सुनी थी ना, तब आखिरकार वो लोग बाहर निकल कर आए थे, और एक लड़ाई हुई थी सेप्ट की टीम की उनके साथ। तो उसमें लड़ाई में क्या हुआ था कि लोनेनग्राम और क्राफ्टस्टीन, ये दो मारे गए। तो वही सेप्ट बताते हैं कि हमने लोनेनग्राम और क्राफ्टस्टीन को मार दिया। फॉर माई ओन पार्ट आई वॉज वेक्स्ड एंड एंग्री दैट आई हैड किल्ड नो मैन इन ओपन फाइट, बट ओनली स्टेप्ड अ नेव इन हिज स्लीव। अर्जन डायल कहता है, जहाँ तक मेरा ताल्लुक है तो मैं बहुत गुस्सा था और नाराज था कि मैंने क्यों नहीं मारा किसी भी इंसान को एक खुली लड़ाई में, मैंने मारा भी तो क्या एक इंसान को सते हुए में चाकू घोपा। मतलब उसे भी बड़ा गुस्सा आया कि मैंने जो है वो किसी को ओपन फाइट में नहीं मारा, वो मैक्स ऑफ बेचारा वो सो रहा था, मैंने उसको चाकू मार दिया, तो मैंने कौन सा बहादुरी का काम किया, इस बुजुर्गी का काम है सोते हुए बंदे को मारना। एंड आई डिड नॉट लव टू हेयर रूपर्ट कॉल मी अ प्ले एक्टर, और रजंडाइल सोचता है कि मुझे ये भी पसंद नहीं आया कि रूपर्ट ने मुझे बहरूपिया बोला या उसने ड्रामे पास बोला, तो मुझे ये सुनकर भी बड़ा बुरा लगा कि वो मुझे, चूँकि वो उसको चलाता था रूपर्ट ऑफ हैंडजू बोल के, प्ले एक्टर बोल के उसको, कि तुम तो बहरूपी हो बन हो कुछ और रहे वो, और एक्टिंग किसी और की कर रहे हो। तो ये समझ गए, तो दिस इज चैप्टर नंबर 14 था। आप चैप्टर 15 की बात करते हैं, आई टॉक विद अ टेम्प्टर, मैंने बात की एक वरगलाने वाले से। टेम्प्टर किसे कहते हैं, टेम्प्टर मतलब होता है वरगलाने वाला, जो किसी को वरगलाता है, गलत बात पर उकसाता है, उसको टेम्प्टर कहते हैं, जो टेम्पटेशन में डालता है किसी को, बुरी आदत की तरफ डालता है। तो मैं एक वरगलाने वाले से बात करता हूँ, अभी टेम्प्टर कौन है, वरगलाने वाले इस चैप्टर में आपको पता लगेगा। आई राइडिंग डाउन वन डे विथ फ्लेवी एंड सेप्ट, मैं एक दिन सवारी करके जा रहा था फ्लेवी और सेप्ट के साथ घोड़े पर, जेंडा के मतलब जेंडा की गलियों में। आई मेट अ डिग्निफाइड लुकिंग पर्सन ड्राइविंग इन अ टू हॉर्स कैरिज, मैंने पहले तो देखा कि एक बड़ा ही शरीफ दिखने वाला शख्स जो कि दो घोड़े के बग्गी में सवारी कर रहा था। आई रिकॉग्नाइज द हेड ऑफ द स्टेल्सो पुलिस, और मैंने देखा यार ये तो स्टेल्सो पुलिस का हेड है, स्टेल्सो पुलिस का जो हेड है ये तो वो है। तो स्टेल्सो पुलिस का हेड उससे कहता है, आई एम हेयर बिकॉज आई डिजायर टू ऑब्लीग द ब्रिटिश एम्बेसडर, वो कहता है स्टेल्सो पुलिस का हेड, कि मैं यहाँ पर हूँ क्योंकि मैं ताबेदारी कर रहा हूँ ब्रिटिश एम्बेसडर के, बरतानवी सफ़ीर के बोलने पर मैं यहाँ आया हूँ। किसी एक बरतानवी सफ़ीर, आगे बताएगा वो कौन सा बरतानवी सफ़ीर है। अ यंग कंट्री मैन ऑफ इस साइड, अ मैन ऑफ सम रेपुटेशन पोजिशन इज मिसिंग, वो कहता है कि उसी शख्स के जो शख्स है जो ब्रिटिश एम्बेसडर है, उसी के मुल्क का कोई बंदा जिसकी जो किसी एक अच्छे अहदे का बंदा है वो मिसिंग है, वो खो गया है। हिज फ्रेंड्स हैव नॉट हर्ड फ्रॉम हिम फॉर 2 मंथ्स, उसके दोस्तों ने 2 महीनों से उसको कोई सुनगुन नहीं ली है। एंड देर इज रीजन टू बिलीव दैट ही वॉज लास्ट इन हिज झंडा, और ये एक वजह है मेरे यहाँ पर आने की कि उसको आखिरी बार झंडा में ही देखा गया था।
A friend of his in Paris, a certain Mr. Featherly, has given his information, which makes it possible that he came here and the officials of the railway recollect his name on some luggage. फिर इस पुलिस के वाले कहता है, इस टल्सो पुलिस का हेड कहता है कि उसका एक दोस्त जो पेरिस में है जिसका नाम मिस्टर फेदरली है, जॉर्ज फेदरली जो ब्रिटिश एम्बेसडर है पेरिस के अंदर, उसने हमें एक इन्फॉर्मेशन दी है कि मुमकिन है कि वो यहाँ पर आया हो जेंडा में, और हमारे ऑफिशल्स ने उसका नाम भी किसी के लगेज में कलेक्ट किया है जेंडा के स्टेशन में। तो अब आपको ये बात पता है, ये स्टोरी को बैक पर जब हम लेकर जाए ना, तो ये जो है वो ढूंढ रहा है रजेंटाइल को, और ढूंढने के लिए उसके जो ब्रिटिश एम्बेसडर वो जो जॉर्ज फेदरली, जो कि मैंने बताया था चैप्टर टू में कि दोस्त थे जो रोडल्फ रोजेंटाइल का, उसने बोला कि 2 महीने से मेरा दोस्त लापता है और कहीं नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया, उसको तो नहीं पता वो बादशाह बन के बैठा है रूरिटेनिया में। तो अब वो जो है वो कहता है पुलिस वाला कि वो जेंडा में ही है, क्योंकि उसका नाम एक लगेज में हमने देखा है कहाँ पर भाई, दैट इज़ रेलवे स्टेशन में। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जोहान की बहन का जो घर था उसमें रहने के लिए जब ये जा रहा था, जोहान की बहन के घर पर रहने के लिए जब ये जा रहा था, तो उसने सोचा था मैं खुद पैदल पैदल जाऊँगा, और अपना सामान उसने रेलवे स्टेशन के थ्रू भेज दिया था कि रेल के थ्रू, तो लगेज में लिख कर नाम वाम अपना लगेज पे कि भैया फलां एड्रेस पर भेज दो, लेकिन ख़ुद पैदल पैदल जा रहा था। तो जब पैदल पैदल जा रहा था तो शूटिंग लॉज रास्ते में ही जाए, जब वो सो गया फिर जागा, फिर जो कुछ हुआ शूटिंग लॉज पे जाने के बाद, वो कहानी अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह से उसको उकसाया गया सेफ्ट कि तुम बादशाह बन जाओ। तो वो अपने लगेज को भूल गया कि उसका लगेज कहाँ गया क्या नहीं गया, तो उसका लगेज स्टेशन पर ही मौजूद था। तो वही स्टल्स पुलिस का हेड कहता है कि उस बंदे का नाम हमने लगेज पे देखा है जेंडा में किसी स्टेशन में, तो इसलिए हमें ये शक है कि वो बंदा यहीं कहीं पर मौजूद है जो खो चुका है, जिसके दोस्तों से ढूंढ रहे हैं पेरिस में। व्हाट वाज हिज नेम? तो रजेंटाइल पूछता है ना, उसका नाम क्या है? तो रजेंटाइल शायद ही आंसर, वो जवाब देता है स्टल्स पुलिस का हेड, उसका नाम रजेंटाइल है, जो सामने उसी के खड़ा हुआ है, वो उसको तो नहीं लग रहा ना वो बादशाह है, सिंपल दैट किंग ऑफ स्टेल्सो है वो, किंग ऑफ रूरिटानिया है वो। इट इज थॉट दैट ही मे हैव फॉलोड अ लेडी हियर, हैज योर मैजेस्टी हर्ड ऑफ अ सर्टेन मैडम बिबोमा? अच्छा, उसने फिर कहा बादशाह, उसी ने कहा स्टेल्सो पुलिस के हेड ने कहा कि ये सोचा जाता है, ये भी कहा जाता है कि वो एक खातून के पीछे पीछे यहाँ आया था, क्या मेरे आका आपने मैडम डी वोबान का नाम सुना है? चूँकि वो उसके पीछे पीछे आया था, चूँकि वो भी जिस जेंडा में आ रही थी, तो वो पेरिस से जेंडा आई थी, ये भी उसी ट्रेन में पेरिस से जेंडा आया था, और एक ही बोगी में सवार थे वो दोनों के दोनों, सामने सामने थे ना। इफ ही वर इन लव विद अ लेडी ही विस्पर्ड, वो सरगोशी में कहता है, क्या पता उस रजेंडाइल को उस फातू से मोहब्बत हो गई हो? नथिंग हैज बीन हर्ड ऑफ हिम फॉर 2 मंथ्स, और 2 महीने तक कुछ भी उसके बारे में नहीं सुना गया। एंड दिस टाइम इट वॉज द आई ऑफ द प्रीफेक्ट विच ट्रेवल टूवर्ड द कैसल, और ये कहते हुए जो प्रीफेक्ट है पुलिस के, जो हेड ऑफ स्टाइल्स ऑफ पुलिस है, उसकी निगाह चले गई कहां पर? कैसल ऑफ जेंडा की तरफ, कि वो देख रहा था उस तरफ। आई सेड क्वाइटली, मैंने सरगोशी में कहा, यस द लेडी इज हियर, हाँ वो खातून ब्रांडेड वुमन तो उसी कैसल के अंदर ही मौजूद है। बट आई डोंट सपोज मिस्टर रजेंटाइल इज दैट द नेम इज, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मिस्टर रजेंटाइल, यही नाम बताया ना तुमने अभी थोड़ी देर पहले, वो बहाने कर रहा है ना उसको, उसी का नाम है जबकि उसको वगैरह, ये नाम मैं सही ले रहा हूँ रजेंटाइल। द ड्यूक ही विस्पर्ड, वो सरगोशी कहता है, ड्यूक डज नॉट लाइक राइवल सायर, ड्यूक माइकल को दुश्मन नहीं पसंद है सर। मतलब वो इस तरह से वो एक सिनेरियो ये बना दिया उसने कि जो रजेंटाइल साहब जो भी आए हैं ना, तो वो मॉडर्न वुमन के पीछे पीछे आए थे, और मॉडर्न वुमन जो है ड्यूक माइकल को पसंद करती थी, तो ड्यूक माइकल भी जैसे कि उनको पसंद करता था। तो अब वो ये देख करके, ये इसके अभी अफेयर इसके साथ है, तो उसने जो है वो उसको, उस रजेंटाइल नाम के बंदे को कैद कर दिया कैसल ऑफ जेंडा के अंदर। मतलब ये इंप्रेशन यहाँ पर उसने चलाकी के साथ रोडोल्फ रजेंटाइल ने यहाँ पर उसके जहन में डाल दिया कि कल को अगर वो वहाँ से निकले भी अगर, तो ये पता हो कि ये मिस्टर रजेंटाइल बंदा है, ये जो ये बादशाह नहीं है, ठीक है। तो ये एक तरह से फायदा ही हुआ इसका देखा जाए तो। देयर केम फर्स्ट माउंटेड 2 सर्वेंट्स इन ब्लैक यूनिफॉर्म। अच्छा, स्टल्सो पुलिस के हेड के जाने के बाद 2 सर्वेंट्स आए, जो कि बैठे हुए थे यूनिफॉर्म में थे और घोड़े पर बैठे हुए थे, रिलीव्ड ओनली बाय सिल्वर बैच, उनके पास सिल्वर बैच लगा था। दीज वर फॉलोड बाय कार ड्रॉन बाय 4 हॉर्सेस ऑन इट, और उनके पीछे कार मतलब बग्घी थी जिसको 4 घोड़े खींच रहे थे। ले और कफिन, उसके ऊपर एक कफन रखा था। बिहाइंड इट रोड अ मैन इन प्लेन ब्लैक क्लोथ्स कैरिंग हिज हैट इन हिज हैंड, और उस कफन के पीछे घोड़े पर सवार था एक शख्स काले रंग के कपड़े पे, और उसने अपना हैट, अपनी टोपी उतारी हुई थी, अपने हाथ पे रखी हुई थी। तो ये एक जनाजा जा रहा था, फ्यूनरल जा रहा था, तो अंग्रेज़ों में जनाजा जो होता है ना उस तरह से होता है, वो बग्घी में लेकर जाते हैं,
है ना, वो बग्घी में लेकर जाते हैं, ताबूत होता है बग्घी में फिर रखा हुआ, उसको लेकर वो सेमेट्री तक या जो ग्रेव यार्ड है वहाँ तक वो लेकर जाते हैं। और पीछे पीछे जो है जैसे जनाजे में लोग चल रहे होते तो घोड़े पर वो पीछे पीछे शख्स चल रहा था। और जैसे है ना कि अंग्रेज़ों के अंदर ब्लैक कलर जो है ना वो शोक की निशानी है, जैसे है ना कि हिंदुओं में वाइट कलर शोक मनाते हैं वाइट कलर पहनकर, इस तरह हिंदुओं के अंदर वो अंग्रेज़ों में क्या होता है वो ब्लैक कलर जो है वो जनाजे में ब्लैक कलर पहन कर जाते हैं शोक के तौर पर। ज़्यादातर आपने ब्लैक कोट नॉर्मली पहने हुए होते हैं, वो टीवी में दिखाते हैं ना मिस्टर बीन वगैरह में आपने देखा हो, तो वो ब्लैक कोट पहन कर जाते हैं शोक के तौर पर, मतलब ना एक तो वो, और अपना हेड भी उतार लेते हैं वो लोग, मतलब शोक के एक निशानी होता है ना जो हेड होता है ना, हेड उतार के हाथ पे रख लेते हैं, तो उसका मतलब वो उदासी के कैफियत में, तो वो हेड जब उन्होंने उतार लिया ना अपना अगर अंग्रेज़ों ने, तो उसका मतलब वो उदास है, सैड है, शोक मना रहे हैं किसी चीज़ का। तो उनके एक अपने ये एक बॉडी लैंग्वेज उनकी है एक अलग तरह की अंग्रेज़ों की। तो मूवीज़ वगैरह में आपने देखा होगा ऐसा कभी। इट इज़ वन ऑफ द जेंटलमैन किल्ड इन द क्वेरल, आई एक्सपेक्ट शी सेड। अच्छा, फ्लेविया जो कि साथ साथ सवारी कर रही थी वो कहती हैं मुझे लगता है कि कल लड़ाई में जो शख्स मारा गया उनमें से कोई एक है, उसके कफा नहीं है। इट्स रूपर्ट ऑफ हैंड्स हु विस्पर्ड सेप्ट, सेप्ट फिर कहता है जो साथ पे साथ साथ चल रहा होता है, सेप्ट कहते हैं तो रूपर्ट ऑफ हैंड्स हु है पीछे, मतलब जो बंदा जो टोपी उतारा हुआ ना हाथ में वो रूपर्ट ऑफ हैंड्स हु है, लीडर ऑफ द सिक्स, जनाजे में जा रहे हैं मतलब अपने दोस्त के, क्योंकि जनाजे में कोई जा रहा है तो दो लोगों को मार चुके हैं कल, यही सेप्ट ही मारा है, सेप्ट के बंदों ने मारा है कोलोनग्राम को और क्राफ्टिंग को। इट इज़ माई डियर फ्रेंड एल्बर्ट ऑफ लोनिनग्राम, वो बताता है कि ये मेरा दोस्त एल्बर्ट ऑफ लोनिनग्राम पूरा नाम है इसका, उसके उसका जनाजा है जो जा रहा है। फिर कहता है तो रुपर्ट कहता है कि जेंटलमैन आई हैव एन ऑफर फॉर यू, मैं तो मेरे पास एक तो मेरे पास ऑफर है देने के लिए, एक पेशकश करता हूँ। आई विल हेयर नथिंग फ्रॉम ब्लैक माइकल से डाई, मैंने कहा नहीं अब मैं ब्लैक माइकल की तरफ से कुछ नहीं सुनूंगा, क्योंकि हमेशा जब भी उसने कोई ऑफर किया है तो कुछ ना कुछ उसने गलत ही किया है। समर ऑफ के अंदर ऑफर उसने बोला आठ के कबूल है, गोली मार दी उठा के तीन दिन, उसके बाद रुपर्ट ऑफ हैंडजू भी जब आया तो उसमें भी क्या हुआ, ऑफर देने के चलते मैं उसको चाकू घोंप के चला गया। अभी फिर से ये बोले ऑफर है तो बोले नहीं अब तो हमें कोई ऑफर नहीं चाहिए, मुझे बहुत ऑफर तुम दे चुके हो मुझे पहले ही, तो अब मुझे कोई ऑफर नहीं लेना ब्लैक मार्केट की तरफ से। देन हियर वन फ्रॉम मी ही लोअर्ड हिज वॉइस टू अ विस्पर, अपने धीमे लहजे में कहता है ना सरगोशी करते हुए, ठीक है मेरी तरफ से तुम एक ऑफर सुन लो, ठीक है ड्यूक माइकल की ऑफर तुम ना मानो, मेरी एक ऑफर सुनो, अटैक द कैसल बोल्डली, लेट सेप्ट एंड टर्लिन हिम लेड, बहादुरी के साथ पूरी कुव्वत से कैसल पर हमला करो, लेट सेप्ट एंड टर्लिन हिम लेड, कॉलोनियल सेप्ट और टर्लिन कॉलोनियल फ्रिट्स वॉन टर्लिन हिम को लीड करने दो और हमला कर दो, गो ऑन, मैंने कहा ठीक है आगे बोलो, अरेंज अ टाइम विथ मी, मेरे साथ टाइम सेट करके हमला कर दो, रूपर्ट ऑफ हैंड्स कह रहा है मेरे साथ टाइम सेट करके हमला कर दो कैसल ऑफ जेंटा पे, सेप्ट देयर एंड फ्रिट्स विल फॉल, ब्लैक माइकल विल फॉल, सेप्ट और फ्रिट्स वहां पर जाएंगे और ब्लैक माइकल मर जाएगा। व्हाट, मैं पूछूं क्या क्या बात करते हो तुम, ब्लैक माइकल विल फॉल लाइक द डॉग ही इज, द प्रिजनर एज यू कॉल हिम विल गो बाय जेकब्स लेडर, आह यू नो दैट टू हेल टू मैन विल बी लेफ्ट, आई रूपर्ट हैंड्स एंड यू द किंग ऑफ रूरिटेनिया, रूपर्ट कहता है ब्लैक माइकल मर जाएगा जैसे कि वो डॉग है, बिल्कुल डॉग की मौत वो मरेगा, और प्रिजनर जो कैदी जिसको तुम कहते हो कैदी मतलब वो प्रिजनर किंग रुडोल्फ, उसको हम जेकब्स लेडर से नीचे फेंक देंगे मार के, मतलब मार के उसको मोट में फेंक देंगे, और तुम जानते हो जहन्नम में भेज देंगे, भाड़ में डाल देंगे उसको, और फिर दो लोग सिर्फ बच जाएंगे, दो लोग सिर्फ बच जाएंगे, मैं रूपर्ट ऑफ हैंड्स हूँ और तुम बच जाओगे सिर्फ, और तुम बन जाना रूरिटानिया के बादशाह, सिंपल तो मैं ऑफर में कर रहा हूँ, फ्लेविया से शादी भी तुम कर सकते हो उस तरह से। तो मैं फिर उससे पूछता हूँ कि तुम क्यों मतलब कि जो है वो ब्लैक माइकल के खिलाफ जा रहे हो, तुम तो उसके मतलब के लीडर हो उसके सिक्स स्काउंडल्स के। ही गेट्स इन माई वे यू नो ही इज़ अ जेलस ब्रूट, वो कहते हैं वो मेरे रास्ते में आता, तुम जानते हो वो एक जेलस इंसान है। अ लेडी आई आस्क्ड नेग्लिजेंटली, मैंने नज़रअंदाज करते हुए मेरे लहजे में कहा, कोई खातून का मामला लगता है मुझे ये, ए एंड अ ब्यूटी ही नोटेड, हाँ एक खूबसूरत खातून का मामला है, बट यू हैव सीन हर, तुमने देखा भी है उसे, आह वॉज इट एट अ टी पार्टी वेन सम ऑफ योर फ्रेंड्स गॉट ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द टेबल, मैंने कहा आह ये क्या वो स्ट्रीट पार्टी की बात तुम कर रहे हो, जब तुम्हारे कुछ दोस्त टेबल के रॉन्ग साइड पर आ गए थे उस तो, उस वक्त की बात उस खातून की बात कर रहे हो, टी टेबल इंसिडेंट में जो खातून थी मतलब मैडम एंटनी मवा उन्हीं की बात कर रहे हो तुम, जब तुम्हारे दोस्त टेबल के उल्टे साइड पर आ गए थे, मतलब टेबल का काम क्या होता है टेबल के ऊपर लोग बैठे हैं, लेकिन उस यहाँ उल्टा हो गया था तुम्हारे दोस्तों के साथ कि टेबल उनके ऊपर था वो नीचे थे टेबल के जब उसने फेंका था टेबल उनके ऊपर, तो वो क्या कह रहा है वो तंज कर रहा है कि वही उसी टी पार्टी की बात कर रहे हो ना कि जब तुम्हारे दोस्त टेबल के रॉन्ग साइड पर आ गए थे,
What can we expect of fools like Richard and Decotet? I wish I had been there. वो कहता है रुपर्ट गुस्से में, तुम क्या और क्या तुम उम्मीद कर सकते हो उन बेवकूफ़ों से, डिचार्ड और डिकोटेड जैसे बेवकूफ़ों से, और उम्मीद भी क्या कर सकते हो? मेरी ख्वाहिश है काश मैं वहाँ पर होता तो मैं तुम्हें बताता, तुम फिर बच के नहीं निकल सकते हमारा उससे। एंड शी प्रीफर्स द ड्यूक, रजनडाइल कहता है तुम जो है वो एंटोनी बोबेन को पसंद करते हो और मोबेन ड्यूक माइकल से शादी करना चाहती हैं। ए द सिली क्रिएचर, आ वेल यू थिंक अबाउट माई प्लान। हाँ, औरत तो होती ही बेवकूफ़ मखलूक है, वैसे तुम्हें पता है मेरी मंसूबे के बारे में, मेरा मंसूबा क्या है कि मैंने मनसा दिया, तुम सोचो इस मंसूबे के बारे में कि मुझे असल में जो है मैडम एंटोनी बोबेन से शादी करनी है। रुपर्ट कह रहे हैं लेकिन रुपर्ट ऑफ लेकिन एंटोनी बोबेन शादी करना चाहते हैं ब्लैक माइकल से, तो जब तक ब्लैक माइकल मरेगा नहीं वो मेरे से शादी नहीं करेगी, तो इसीलिए उसको मार देते हैं क्यों ना, तो तुम्हें भी तो मारना ही है ना ब्लैक माइकल को, मेरे साथ मिलकर मार दो उसको, खत्म बात हो गई। तो वो ये प्लान बताते, इसी को हम कह रहे हैं टेम्प्टर, आई टॉक विद अ टेम्प्टर, मैं बात कर रहा हूँ एक वरगलाने वाले से, तो ये वरगला रहा है इसको, टेम्पटेशन में डाल रहा। आई वेंट बैक टू फ्लेविया एंड सेप पॉन्डरिंग ऑन द स्ट्रेंजनेस ऑफ द मैन, मैं वापस चला जाता हूँ फ्लेविया और सेप के पास, फिर मैं सोच रहा होता हूँ इस शख्स की अजनबियत के बारे में। विकेड मैन आई हैव नोन मैन मैनी एंड आई हैव नोन इन प्लेंटी बट टूपर्ट हैंडसो रिमेन्स यूनिक इन माई एक्सपीरियंस, कहता है कि मैंने बहुत से विकेड मैन, बहुत से मैंने बदमाश लोग देखे जिंदगी में अपनी, और रुपर्ट ऑफ हैंडसो लेकिन मेरे तजर्बे में एक बड़ा एक यूनिक सा इंसान है, ये अजीब सा मतलब कि ये एक विलन है रुपर्ट ऑफ हैंडसो, कि अजीब तरह की बातें ये करता है कि अपने ही जो है वो जो है मालिक को जो है या अपने ही मतलब ड्यूक माइकल को मारने की बात कर रहा है, तो ऐसा विलन है ये। ही इज़ वेरी हैंडसम इज़न्ट ही, सेड फ्लेविया, फ्लेविया उसको देख फिर जब वो चले जाते तो फ्लेविया ये कहती है कि ही इज़ वेरी हैंडसम इज़न्ट ही, कि ये वो काफ़ी हैंडसम है, क्या वो हैंडसम नहीं है? रुपर्ट ऑफ हैंडसो 23-24 साल का एक जवान सा एक शख्स रुपर्ट ऑफ हैंडसो। वी रीच द डोर्स एंड डिसमाउंटेड, हम आखिरकार डोर्स तक पहुँचते हैं और उतर जाते हैं। दे आर अ सर्वेंट हैंडेड मी अ नोटिस इट वॉज अनएड्रेस्ड, एक सर्वेंट वहाँ पर था जिसने मुझे एक नोट दिया जिस पर कोई नाम कोई एड्रेस नहीं लिखा था। आई टोर इट ओपन, मैंने उसको खोला और खोल कर मैंने उसे पढ़ा, ठीक है। जोहान कैरेज दिस फॉर मी, आई वॉन्ट यू वंस इन द नेम ऑफ गॉड एंड इफ यू आर अ मैन रेस्क्यू मी फ्रॉम दिस डैन ऑफ मर्डरर्स, कहती है खुदा के लिए अगर तुम एक मर्द हो तो मुझे बचाओ इन कातिलों के चुंगुल से, मुझे बचा लो, मुझे निजात दो इन कातिलों के चुंगुल से, रेस्क्यू मी फ्रॉम दिस डैन ऑफ मर्डरर्स। और नीचे साइन लिखा था ADM, मतलब एंटोनी बोबेन, तो एंटोनी बोबेन ने जोहान को खत लेकर भेजा था कि और ये खत रिजनडाइल को कि तुम मुझे इन कातिलों के चंगुल से बचाओ, इन्होंने मुझे कैद करके यहाँ पर रखा हुआ है तो मुझे इनसे निजात दो। तो ये एक तरह से खत आया है जो कि जोहान पहुँचाया है रिजनडाइल को जब वो पहुँचा है शर्टी ऑफ डालने वापस, ठीक है। तो दिस इज चैप्टर नंबर 15 सॉरी दैट इज़ आई टॉक विद अ टेम्प्टर, ठीक है, समझ आएगी बात, ठीक है।